नमस्कार, मैं कमर गाजी, नव भारत में आपका स्वागत है। मेरे साथ हैं एडिशनल अंबरनाथ मैन्युफैक्चर एसोसिएशन के अध्यक्ष उमेश ताइड़ी जी। उमेश ताइड़ी जी से आज हम बात करेंगे स्थानीय एडिशनल कंपनी में जो कंपनियां उसकी समस्याओं को लेकर, और पिछले 2-3 महीने से जो वाल्धुनी नदी को प्रदूषित करने का जो मुद्दा जोर शोर से शुरू है, उसमें कुछ कंपनियों पर भी अक्सर आए दिन आरोप लगता रहता है। कंपनी MPCB के माध्यम से नोटिसें भी दी जा रही हैं, तो आइए आज उन्हीं से बात करते हैं। ताइड़ी साहब से उनके अपना पक्ष रखेंगे इंडस्ट्री की तरफ से। मैं उमेश ताइड़ी, अध्यक्ष एडिशनल अंबरनाथ मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन। पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ सब हमारे भाइयों को और सभी स्थानिक नागरिकों को कि देखिए, एडिशनल अंबरनाथ MIDC में करीबन 1200 कंपनियाँ हैं, जिसमें 150 कंपनियाँ एक केमिकल इंडस्ट्रीज है, केमिकल फार्मास्यूटिकल्स ऐसे है। अब यहाँ से 9 से 10 हज़ार करोड़ का एक्सपोर्ट हो रहा है। क्या हो रहा है कि जब इतना एक्सपोर्ट हो रहा है, वही टाइम पे हमें बाकी भी बहुत प्रॉब्लम्स जो है उसका सामना करना पड़ रहा है। अभी वाल्धुनी रिवर के बारे में यहाँ पे रोज कुछ ना कुछ इशू चल रहा है। एक्चुअली हम भी तो लोकल है, स्थानिक नागरिक हैं हम। हमने वाल्धुनी नदी 50 साल पहले भी देखी है। आज जो वाल्धुनी का जो इशू है, उसके लिए हमने MIDC को 2 सजेशन दिए थे। वाल्धुनी नदी का सजेशन एक ऐसा था कि MIDC से 2 नाले बाहर जाते हैं, उसमें से एक जो नाला है जो वाल्धुनी नदी के उधर, जो वाल्धुनी का जो काकोला विलेज से जो आता है पानी का प्रवाह, वहाँ पे मिलता है। हमने वहाँ पे बंधारा भी डाला है, लेकिन क्या होता है, वो बंधारे से काम नहीं होएगा। हम ये बोलते हैं कि वहाँ पे अगर MIDC ने एक सम्प डाल दिया और वो सम्प से पानी उठा के स्ट्रेट वे CETP में अगर जोड़ दिया, तो ये प्रॉब्लम 101% पूरा का पूरा सॉल्व हो सकता है। 50 साल पहले जैसा पानी था, वैसा ही पानी मिलना चालू हो जाएगा। एडिशनल अंबरनाथ MIDC से एक बूंद भी पानी वाल्धुनी रिवर में नहीं जाएगा, उसके लिए ये करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, जो CETP है, करीबन 2013 से वो CETP बंद है। 2018 साल हम लोगों ने चालू करने का कोशिश की, तभी MPCB ने हम लोग को क्लोजर नोटिस दे दिया। उसके ऊपर बहुत सारी कठिनें हम लोगों ने झेली। फिर बाद में NGT से ऑर्डर मिला चालू करने का, लेकिन फिर भी MPCB ने काफ़ी दूसरे सब पर्यायी प्रॉब्लम क्रिएट करके फिर हमें वो चालू करने को दिया नहीं। आज भी CETP बंद है और पूरा का पूरा एडिशनल अंबरनाथ MIDC जीरो लिक्विड डिस्चार्ज ZLD पे काम कर रहा है, और ये कितना पॉसिबल है सबको पता है। वो क्यों करना चाहिए, आप CETP चालू करो। अगर CETP चालू करते हैं तो ये वाल्धुनी रिवर का प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा, और आज जो हम लोग 8 से 10 हज़ार करोड़ का एक्सपोर्ट कर रहा है, वो करीबन दुगुना हो जाएगा। सर, आपसे एक दूसरा सवाल है कि MPCB ने जो टैंकर आते थे अन्य शहरों से अपने महाराष्ट्र के बाहर, तो उनको रात में प्रवेश बंदी रखी है, तो उस संक्षिप्त में थोड़ा सा उसके संदर्भ में बताइए। सर, ये तो बाहर से आने वाले टैंकर को आप लोग रोक रहे हैं। अगर एक दिन में समझो 100 टैंकर आते हैं, पूरे महीने में समझो कम से कम नहीं भी बोलेगा तो आज 3 से 4 हज़ार टैंकर आ जाते हैं यहाँ पे। एक का दूसरा टैंकर जिसने कुछ किया रहेगा, वो टैंकर को ढूंढने के लिए आपने शाम को 6 बजे से सुबह 6 बजे तक का टैंकर का मूवमेंट बंद कर दिया। ये कौन सा तरीका है? आप चोरों को पकड़ नहीं सकते, इसके लिए पूरा का पूरा मूवमेंट बंद करना ये अच्छी बात नहीं है। दूसरा बात, उसके लिए सबसे आसान तरीका है, हम बोलते हैं कि सब टैंकर वालों को GPS प्रणाली में लेके आओ। कोई भी टैंकर रहने दो, भले पानी का भी रहने दो या तो केमिकल का रहने दो या और कोई भी टैंकर जो ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है केमिकल का या फार्मा कंपनीज के लिए या सब के लिए, वो कंपनी वो टैंकर्स को तुम GPS प्रणाली में लेके आओ। ये प्रॉब्लम 101% ख़त्म हो जाएगा, ये कुछ भी नहीं रहेगा। और अगर ये सिस्टम अगर पूरा महाराष्ट्र में लागू किया तो महाराष्ट्र का ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। सर, एडिशनल अंबरनाथ जो क्षेत्र है, स्टेशन से मेरे ख्याल से 2.5-3 किलोमीटर का अंतर है, तो यहाँ जो कंपनियों में बहुत सी कंपनियों की तो बसें हैं, लेकिन बहुत सी छोटी कंपनियों जो कर्मचारी रेलवे से आते हैं, तो उनको कुछ जो माध्यम आने की काफ़ी महंगा पड़ता है, तो उस संदर्भ में क्या चाहिए? सर, एक्चुअली देखिए, इसमें क्या हो गया कि 2-3 दफ़ा ST सर्विसेज चालू करने का कोशिश किया था। ऑटो रिक्शा वालों का इसमें ऐसा कहना था कि उनका रिक्शा का बिजनेस बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हमको तो बुरा लगता है कि पूरा महाराष्ट्र में एक ही MIDC ऐसा है, एडिशनल अंबरनाथ MIDC, जहाँ पे बस सर्विस नहीं है।
अभी हमको एक अच्छा लगा कि गया दो तीन दिन पहले हमारे जो प्रिय आमदार साहब है उन्होंने नागपुर विधानसभा में वो प्रश्न उठाया है और शायद अंबरनाथ के लिए नया खुद का बस सर्विस लोकल सर्विसेज चालू करने का इरादा है। अगर ऐसा हो जाता है तो ये हमारे लिए बेहतर हो जाएगा, क्योंकि आज का कंडीशन में रात को 8-8:30 के बाद कोई भी इंडस्ट्री में रुकने के लिए तैयार नहीं है। सब कंपनी तो बस सर्विस दे नहीं सकती है, हार्डली 5-10% कंपनी, जैसे समझो 50 कंपनी है, 100 कंपनी बस सर्विस दे रही है, बाकी को जो 1,000-1,100 कंपनी के जो वर्कर्स है वो अपने अपने गाड़ियों से आ रही है या उनके लिए और कुछ बंदोबस्त खुद के करते हैं। आप शाम को देखो सैकड़ों लोग चल के जा रहे हैं, ऑटो रिक्शा से जा रहे हैं, लेकिन 8-9 के बाद ऑटो रिक्शा अंदर मिलना मुश्किल हो जाता है, इसके लिए बस सर्विस का होना बहुत जरूरी है। अब एमआरडीसी क्षेत्र में सड़कों तो काफ़ी प्रमुख सड़कें अच्छी हो गई हैं और जो कुछ बची है उसके लिए आपने पत्र दौर किया है। इस बारे में तो हम पक्का बताएंगे, ये महाराष्ट्र में पहली दफ़ा एडिशनल अमरनाथ एमआरडीसी एसोसिएशन ने पुराकार इसके लिए लिया है कि ये जो सड़कें आप देख रहे हैं वो सड़कों में 15 रुपया पर मीटर स्क्वायर पर ईयर एन्यूम वो पैसा हम लोग इंडस्ट्री वाले दे रहे हैं अपने जगह के हिसाब से, क्योंकि एमआरडीसी कह रही थी कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमने बोला कि चलो इंडस्ट्री वाला भी थोड़ा योगदान करेंगे, तो वो हिसाब से आज एमआरडीसी के पास फंड्स आने के बाद आज एमआरडीसी ने काफ़ी हद तक सीमेंट के रोड बनाए हैं, इसके लिए हमें भी अच्छा लग रहा है। अभी जो बाकी जो रोड्स है वो एमआरडीसी का कहना है कि 1-1.5 साल के अंदर अंदर के भी सारे रोड्स अराउंड 80-90% रोड्स इन लोग एमआरडीसी कॉन्क्रीट के करेंगे और बाकी जो छोटे बड़े रहेंगे वो अच्छा टार रोड रखेंगे। सर यहाँ के कामगारों को उल्लासनगर जाना पड़ता है जो कामगार बीमा योजना के तहत, तो आपने अपने स्तर पर काफ़ी कोशिश की, तो कहाँ तक आपको सफलता मिली? सर एक सफलता काफ़ी मिली है, ESSU हॉस्पिटल यहाँ पे नहीं है, वो उल्लासनगर में है, लेकिन यहाँ पे होटल नक्षत्र के पीछे विजय हॉस्पिटल है, उनको ESSU टाइप करने के लिए मौका मिला है। हमने एडिशनल अमरनाथ एसोसिएशन की तरफ से आमा की तरफ से ESSU से काफ़ी हम लोगों ने पेपर वर्क किया, डॉक्यूमेंट्री किया, उसके बाद आज विजय हॉस्पिटल में ESSU से कॉट्स मिलते हैं, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं है। हमारा ऐसा कहना है कि एडिशनल अमरनाथ एमआरडीसी में करीबन 50-60 हज़ार वर्कर्स, वैसे ही अमरनाथ वेस्ट में 25-30 हज़ार वर्कर्स, तो करीबन 1-1.5 लाख अगर यहाँ पर वर्क फोर्स है, उनके जो फैमिली दे वो भी अगर डिपेंड है, तो क्यों ना ESSU का एक बड़ा हॉस्पिटल अमरनाथ में ही होना चाहिए। हमारा कहना है कि यहाँ पे करीबन सालाना 80-90 करोड़ रुपया ESSU में जमा होता है, उसमें से अगर 10-20% भी हमारे लिए वापरेंगे ना तो भी हमारे वर्कर लोग खुश हो जाएंगे, यहाँ पे बड़ा हॉस्पिटल होना बहुत जरूरी है। हमारे साथ थे आमा के अध्यक्ष श्री उमेश ताड़े जी, कैमरामैन सैयद के साथ मैं कमर गाजी अमरनाथ।